वेलकम टू लॉ प्लेनेट। आइए आज इस वीडियो में हम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में डिसाइड किया था, उसको अच्छी तरह समझते हैं। ये एक लैंडमार्क केस है क्योंकि इसमें फीमेल्स के साथ वर्कप्लेस पे होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी और इनको आज पॉपुलरली विशाखा गाइडलाइंस के नाम से भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक बनवारी देवी, जो एक सोशल वर्कर थी और चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए काम करती थी, एक बार एक फैमिली में चाइल्ड मैरिज होने की खबर सुनते ही बनवारी देवी ने वहां जाकर उस चाइल्ड मैरिज को होने से रोक दिया। जिस फैमिली में ये मैरिज हो रही थी, उसी फैमिली के रमाकांत गुज्जर 5 आदमियों के साथ मिलकर बनवारी देवी का उसके हस्बैंड के सामने ही गैंगरेप कर दिया। उसके बाद बनवारी देवी ने पुलिस केस फाइल करने की कोशिश की तो उसे बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करवाया गया, और जब केस फाइल हो गया और मैटर ट्रायल कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अक्यूज्ड को एविडेंस की कमी के कारण रिहा कर दिया। इसके बाद बनवारी देवी और बाकी सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर, जिसमें एक विशाखा भी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रे किया कि वर्किंग वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है, जिसे रोकना ज़रूरी है, और कहा कि उनके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाए ताकि उनके साथ इन सब चीज़ों को रोका जा सके। 1997 में वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं था, इसलिए इस रिट पिटीशन में प्रे किया गया कि इसके लिए कोई जुडिशियल प्रोसेस डेवलप किया जाए और लॉ में इस गैप को फिल किया जाए। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला लीगल इशू ये था कि वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी लॉ में मेंशन ना होने की वजह से क्या आर्टिकल 32 के अंडर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। दूसरा लीगल इशू ये था कि आखिर सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस को डिफाइन किस तरह किया जाए और इस इशू को रिजॉल्व किस तरह किया जाए। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व किया और विशाखा गाइडलाइंस में क्या डायरेक्शंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ज्यूरिसप्रूडेंस को इनोवेट किया और इस इशू पर कोई भी लॉ ना होने के कारण इंटरनेशनल ट्रीटीज का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऐसी स्थिति में कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जैसी इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसे इंडिया ने 1980 में साइन किया था, उसे यूज कर सकता है, और इस ट्रीटी का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने में भी यूज किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 14, 19 और 21 को वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई लॉ ना होने की स्थिति में डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करते हुए कहा कि ये किसी भी तरह का फिजिकल टच या कंडक्ट हो सकता है जो फीमेल को अनप्लेजेंट लगे, या उससे ज़बरदस्ती या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ करके सेक्सुअल फेवर्स के लिए कहना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। आइए अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई विशाखा गाइडलाइंस को देख लेते हैं। पहला पॉइंट, हर किसी वर्कप्लेस पे ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने प्रेमाइसिस में ना होने दे और इससे डील करने के लिए रेजोल्यूशन, सेटलमेंट और प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस सेटअप करे। दूसरा पॉइंट, ना सिर्फ एम्प्लॉयर बल्कि उस जगह काम कर रहे हर व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी होगी कि वहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना उन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और किसी का भी कोई एक्ट आईपीसी की किसी धारा में पनिशेबल है तो उसके एक्ट के लिए तुरंत एक्शन लेना होगा ताकि गिल्टी को पनिश किया जा सके। तीसरा पॉइंट, भले ही कोई ऐसा एक्ट जो फीमेल को आपत्तिजनक लगे और वो लीगल ऑफेंस ना हो, तब भी एम्प्लॉयर को सही मैकेनिज्म द्वारा उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होगा, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। फोर्थ पॉइंट, एम्प्लॉयर को इसके लिए एक कंप्लेंट्स कमेटी सेटअप करनी होगी और एक स्पेशल काउंसलर को अपॉइंट करना होगा और हर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होगी। ये कंप्लेंट्स कमेटी एक फीमेल द्वारा हेड की जानी चाहिए और कम से कम उसके आधे मेंबर्स फीमेल्स होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करे और कोई भी कोर्ट की नई गाइडलाइन आने पर उन्हें अपडेट करे। सिक्स्थ पॉइंट, भले ही किसी थर्ड पार्टी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, तब भी एम्प्लॉयर को सारे ज़रूरी स्टेप्स लेने होंगे और विक्टिम को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा।
सेवेंथ पॉइंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लें जिनसे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। विशाखा गाइडलाइंस के लगभग 20 सालों बाद पार्लियामेंट अपनी नींद से जागी और इस इशू पर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में पास किया। इस एक्ट को विशाखा गाइडलाइंस से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया है और इसमें वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मैंडेट है जिसके अंदर पेनल्टी फाइन कंप्लेंट्स कमेटी जैसी चीज़ें दी हुई है। आशा करता हूँ आपको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही केस एनालिसिस देखने के लिए लॉ प्लैनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।